बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इजी लर्निंग में खुश आमदीद। एक्सरसाइज 14.2 लास्ट क्वेश्चन हमारा रहता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन 4 लास्ट में आप देख रहे हैं, इफ़ लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट एक्स एंड दिस इज़ द रेशो, देन शो डैट द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो असल में बेसिकली यहाँ पर एक सीन है, उस ये कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल्स किस शेप में बन रही हैं, क्योंकि आप ये देखें आगे तो 14 रिव्यू की तरफ चला जाता है। सो यहाँ पर नीचे भी कोई इसकी नहीं दी गई डायग्राम, हो सकता है कि आगे फ्यूचर में वो दे दें, लेकिन ये कि इसकी साथ देनी चाहिए उनको, अगर नहीं तो हम बना लेंगे। अब सबसे पहले हमें एक ऐसी देखें लाइन सेगमेंट चाहिए ए बी और सी डी। तो नॉर्मल जब हम एक ट्रायंगल बनाते हैं तो उसमें ए बी और सी डी नहीं होता, ऐसा ही है। सी डी कहाँ से आएगा कि वो ख़ुद बता रहा है कि ए बी और सी डी आर इंटरसेक्टिंग, के दो लाइंस हैं, ठीक है, नॉट ट्रायंगल बट के दो सिंपल लाइंस हैं, एक ए बी और एक सी डी, जो कि किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं। अब वो मिलते किस तरह से हैं कि उनमें ये रेशो बरकरार रहती है, रेशो ऑफ, पहले यहाँ तक बात कर लेना फिर आगे समझ में आएगी। तो हम पहले यहाँ पर हमेशा की तरह लिख देते हैं कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। 14.2 और जो आज की डिस्कशन में क्वेश्चन चल रहा है, आई गेस ये क्वेश्चन कौन सा था, 4 था। अच्छा, इस क्वेश्चन में अब आपको उसने कहा है कि एक आपके पास है लाइन सेगमेंट ए बी, उस पे आपके पास एक और लाइन सेगमेंट है सी डी। बात समझ आ रही है, एक ए बी है एक सी डी है, जो मिलते हैं एक पॉइंट एक्स पे, क्लियर है। अब इस तरह से उसने कहा है मिलते हैं कि आपके पास जो रेशो है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कौन सी रेशो उसने कहा है, उसने कहा है रेशो ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय एक्स बी इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू सी एक्स डिवाइडेड बाय रेशो ऑफ एक्स डी। अब मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूँ कि ये कैसे है। देखें ए एक्स टू एक्स बी, यानी कि इस चीज़ की रेशो ए एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स बी इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, सी एक्स ओवर एक्स डी। अब देखें कि ये रेशोस इससे पहले आपने कहीं देखी देखी लग रही हैं, बिल्कुल देखी देखी लग रही, कहाँ पे, थोड़ा सा इसको साइड पे, यहाँ पे हम एक रिकैप करते हैं कि हमारे पास अगर एक ट्रायंगल हो लेट से, तो उसके ऊपर अगर कोई इस तरह से कट आ रहा हो किसी पॉइंट पे, तो दो लाइंस, जैसा कि आपके पास इस केस में एक ये है लाइन सेगमेंट और एक लाइन सेगमेंट है, ये दो लाइन सेगमेंट है ना, उन दो लाइन सेगमेंट पे ये वाली रेशो और ये वाली रेशो डिवाइडेड बाय ये वाली रेशो और ये वाली रेशो, ये कब होती है, ये तब होती है जब ये जो दोनों लाइंस हैं ये किसी पैरेलल लाइंस के साथ में अटैच्ड हो। अब यहाँ पर पैरेलल लाइंस तो है नहीं, इसका मतलब ये है कि यहाँ कहीं पे अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करवाएं, एक मिनट, अगर मैं इसको और इसको ज्वाइन करवा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट सी को, देन आप ये रेशो वैलिड है। देखें अगर इससे हमें एक लेसन मिलता था, अगर आप यहाँ पर ये ट्रायंगल वाली बात को थोड़ा सा समझते हैं, इससे हमें ये लेसन मिलता था कि अगर आपके पास ये कोई लाइन एक पैरेलल लाइन है और एक ये पैरेलल लाइन है, यहाँ पर भी वो दो पैरेलल लाइंस हैं, तो पैरेलल लाइंस के ऊपर अगर कोई दो लाइंस यूँ कट करती हैं तो उनकी रेशोज़ जो हैं वो दोनों की प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर रेशो बता दी जाए तो हम प्रूव कर सकते हैं कि वो पैरेलल हैं, अगर हमें पैरेलल बता दी जाए तो हम प्रूव कर सकते हैं कि उनमें ये रेशो एग्जिस्ट करती है। इस केस में थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर आया है, लेकिन हरगिज़ ये उसी तरह से ही सॉल्व होगा, इसमें किसी भी किस्म की आपको परेशानी नहीं है, ये हम प्रूव करेंगे। अब क्वेश्चन को दोबारा से रीड करते हैं, इफ़ लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट एक्स देन दिस रेशो then show that and this, ये उसने बताई हुई, then show that कि this triangle ए एक्स सी, अब ट्राइंगल बन रही है ना, देखें ए एक्स सी, एक ट्राइंगल ए एक्स सी है यहाँ पर, आई एम सॉरी कि मुझे लगता है
कि मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी, ट्रायंगल तो यहाँ पे बननी चाहिए थी। चलो देखते हैं, ये उसके मुताबिक गलत हो गई बात, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये मैंने गलत लिए हुए हैं। चलें देखते हैं, लेट्स सी, एक मिनट रुक जाएं। चलें मैं उसके मुताबिक कर देता हूँ। देन शो डैट द ट्राइंगल ए एक्स सी एंड बी एक्स डी आर सिमिलर। ए एक्स सी एंड बी एक्स डी, यानी कि हम चले यहाँ पर ले लेते हैं, हमारे लिए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। वैसे वो यहाँ पर भी बांध सकती थी, लेकिन अब हम यहाँ पर ही ले लेते हैं, डोंट वरी। एक जो ट्राइंगल है वो ये है, जिसको मैंने हाईलाइट किया, और दूसरी ट्रायंगल जो है वो यहाँ पर, इसको यूँ हाईलाइट करते हैं, ये नीचे, ये दूसरी ट्रायंगल, ठीक हो गया। ये दो ट्रायंगल्स हैं जिनको हमने भी शो करना है। वो ट्रायंगल्स इस साइड पे बन जाएं, इस साइड पे बन जाएं, बात एक ही है, ठीक है। अब आपने गौर से सुनते जाना है बातों को, और फिर इसको हम ईजीली प्रूव कर देते हैं। देखें जी, सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक तो हम कहते हैं कि आपके पास यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये देखें यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, लेट्स से मैं इसको कह देता हूँ वन, और इस साइड पे जो बन रहा है इसको मैं कह देता हूँ टू, ठीक हो गया। हम ये कहेंगे कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती, तो ये एंगल और ये एंगल जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमेशा से बराबर होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपकी एक लाइन है, देखें ये जो लाइन है, ये वाली इन दोनों को मिलाने पे, और ये वाली लाइन जो इन दोनों को मिलाने पे, ये बिल्कुल पैरेलल है, जैसे ए डी और सी डी, सी बी मैंने बताया था ना कि पैरेलल है, सेम इज़ द केस हियर। वही डिस्कशन अब इस साइड पे आ चुकी है, और इस साइड पे इस तरह से, बल्कि इनको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो, ये वाली लाइन से इनकी मैं ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव करने में भी हो जा भाई रिमूव, थोड़ा बड़ा मार्कर सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि इजीली हो जाए, ठीक है। चलें ये रिमूव होगी। अब हम बेसिकली इंटरेस्टेड किस में हैं कि, अब मैं दोबारा से स्टोरी थोड़ी सी बता देता हूँ कि आपको गिवन है कि दो लाइंस हैं ए एक्स सी डी, कट करती हैं पॉइंट एक्स पे। अब अगर वो दोनों की रेशो ए एक्स और एक्स बी डिवाइड इज इक्वल्स टू सी एक्स टू एक्स डी की रेशो बराबर है, हमें रेशो बता दी गई, तो हमें ये कन्फर्म हो गया कि ये जो दोनों लाइन्स हैं जिसके ऊपर ये बेस्ड कर रहे हैं वो पैरेलल लाइन्स हैं। तो ए एक्स ए सी और डी बी जो हैं ये पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने प्रूव क्या करना है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि ये ऊपर हेडिंग दे दीजिएगा कि रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड है ए एक्स सी, ये ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूव करना है कि इसके ट्राइंगल बी एक्स डी के। बहुत ही आसान सा थ्योरम है कि हम पहले ये कहते हैं कि एंगल वन इज़ कांगोरेंट टू एंगल, ये स्टेटमेंट्स हैं, इसकी रीजन्स जो हैं वो आप लोगों ने खुद ही देखनी है, बोलता जाऊंगा लिखूंगा नहीं। स्टेटमेंट्स एंगल वन और एंगल टू जो है वो बराबर है, क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर ये एक पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है, तो जो जैसे हमने ये चीज़ पढ़ रखी है कि अगर आपके पास जितनी मर्जी पैरेलल लाइंस हो, तो उनके ऊपर जब इस तरह कोई लाइन फॉल करती है, तो वो अगर इसके साइड पर जो एंगल बना रही है वही एंगल इस साइड पर भी यहाँ पर भी बनेगा। तो इसका मतलब जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, लेट्स से कि हम उसको एंगल कह देते हैं कि ये थ्री है और ये फोर है, इसी तरह से यहाँ पे आप फाइव और यहाँ पे आप सिक्स का नाम दे दें, तो एंगल, अच्छा इसकी रीज़न तो बताई नहीं, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। और चूंकि हमें ये चीज़ गिवन है कि आपके पास मेजर ऑफ ए एक्स, ये आप लिखेंगे मेजर ऑफ ए एक्स टू एक्स बी, क्योंकि ये रेशो एग्जिस्ट करती है हम कहेंगे, तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि इस रेशो की वजह से हम ये कह रहे हैं कि ए सी और जो बी डी है वो पैरेलल है। मैंने पहले भी ये बात की कि दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि दो लाइंस अगर पैरेलल गिवन हो, हम ये रेशो प्रूव कर सकते हैं, और अगर हमें ये दो रेशोज़ बता दी जाएँ तो हम ये पैरेलल लाइंस प्रूव कर सकते हैं। ये पीछे हम लोगों ने बात डिटेल्स में प्रूव की हुई है। सो ये चीज़ प्रूव होगी कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो बेसिकली पैरेलल हैं। नाउ अब हम ये चाहते हैं कि अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वही एंगल यहाँ पे बनना चाहिए। सो एंगल थ्री इज़ कांगोरेंट टू एंगल फोर,
एंड एंगल 5 इज कांगुरेंट टू एंगल 6, इन दोनों की रीजन क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। इस हिसाब से अगर आप गौर करें तो चूंकि ये सारी एंगल्स भी बराबर हो गए, तो आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली देखें कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, अब इनमें रेशो की अगर बात करें कि ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स बी इज इक्वल्स टू सी एक्स ओवर एक्स डी एंड इट इज़ इक्वल्स टू ए सी डिवाइडेड बाई डी बी। बिकॉज रीज़न देखें, रीज़न सुन लें, क्योंकि देखें दो ट्राइंगल्स अब ये सिमिलर प्रूव हो चुकी हैं, थस आप ये कहेंगे कि ट्राइंगल कौन सी थी, ए एक्स सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी एक्स डी, सिमिलर इस तरह से प्रूव हो गई कि ये देखें ये उनकी जो हमने प्रूव किया कि ये दोनों जो है वो बिल्कुल पैरेलल हैं, फिर हमने इस ट्राइंगल का ये एंगल बराबर कर दिया, ये एंगल और ये एंगल बराबर कर दिया, ये और ये। तो जब आपको पता है कि तीन एंगल्स किसी भी दो ट्राइंगल्स के, पहले भी ये बात पिछली एपिसोड में भी की थी कि अगर वो तीन एंगल्स अगर हम प्रूव कर दें, लाइक ये आपके पास पहला एंगल है, ये दूसरा और ये तीसरा, हमने तीनों एंगल्स इनके बराबर प्रूव कर दिए, इट मीन्स कि दोनों सिमिलर हैं। तो अगर सिमिलर हैं देन इसका मतलब ये है कि ये रेशो जो आपको गिवन है ये प्रूव्ड होगी। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर हों तो उनकी जो साइड्स हैं, तो ए एक्स ओवर एक्स बी इज़ इक्वल्स टू सी एक्स ओवर एक्स डी इज आल्सो इक्वल्स टू ए सी ओवर डी बी। बात समझ में आई है? तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होता है। तो अब हम थोड़ा टाइम तो इस पर इसी क्वेश्चन पर ज़्यादा लग चुका है, तो कोशिश करते हैं कि अब जितना आगे डिस्कशन हो सकती है उसको कर लें, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको फिर बाकी काम को कर लेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं रिव्यू एक्सरसाइज पे। रिव्यू एक्सरसाइज हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रही है फिल इन द ब्लैंक्स हैं, बहुत आसान से आप इनको कर सकते हैं। कांगुरेंट ट्राइंगल्स आर ऑफ सेम साइज एंड शेप। देखें दो ट्राइंगल्स जो होती हैं वो कांगुरेंट कब हो सकती हैं? कांगुरेंट का लफ्ज़ आप ये जहन में रखिए कि जब एग्जैक्टली चीज़ बिल्कुल सेम होती है तो आप उसे कांगुरेंट कहते हैं, जब बिल्कुल सेम शेप और सेम साइज़ होगा डेफिनेटली उनको हम कांगुरेंट कहेंगे, तो ये ट्रू है। सिमिलर ट्राइंगल्स ऑफ सेम शेप बट डिफरेंट साइज़, या सिमिलर की मैंने आपको पिक्चर्स भी दिखाई थी कि पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होती है, कोई A4 पे पिक्चर निकलवा रहा है, कोई फ्रेम करवाने के लिए उसका बड़ा साइज़ निकलवाता है, पोस्टर साइज़ होता है, तो पिक्चर तो सेम रहती है ना, लेकिन उसके साइज़ जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, तो ये भी आपके पास ट्रू है। सिंबल यूज्ड फॉर कांगुरेंट, सिंबल यूज्ड फॉर सिमिलैरिटी। अब ये देखें, सिंबल यूज्ड फॉर द कांगुरेंट, कांगुरेंट के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो ये नहीं होता बल्कि वो ये होता है, इसने उलट किया हुआ है। सो सिंबल यूज्ड फॉर कांगुरेंट इज़ दिस, नॉट, ये गलत हो गया क्योंकि कांगुरेंट का सिंबल तो ये है, तो ये वाला फॉल्स हो गया। सिंबल यूज फॉर सिमिलैरिटी, ये सिमिलैरिटी का दोनों किसने उलट किए हुए हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स फॉल्स फॉल्स होंगी। पाँचवें को देखते हैं नेक्स्ट, कांगुरेंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल। देखें दो ट्राइंगल जब कांगुरेंट होती हैं वाकई वो सिमिलर तो होंगी, लेकिन जो दो सिमिलर होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो कांगुरेंट हो। तो ये पांचवा जो है ये तो ट्रू है, लेकिन सिक्स्थ वाला सिमिलर ट्राइंगल्स कांगुरेंट नहीं होती, हो भी सकती हैं लेकिन हर बार नहीं होती, क्योंकि इसने ये बताया कि सिमिलर हमेशा ही कांगुरेंट होती है, इसने कही तो ये बात गलत हो गई। ओके जी, सेवन्थ की तरफ चलते हैं। अलाइन सेगमेंट हैज़ ओनली वन मिड पॉइंट। अच्छा ये देखें कि जब एक लाइन की बात करते हैं तो बात और है, लेकिन जब हम लाइन सेगमेंट का वर्ड यूज़ करते हैं, सेगमेंट का मतलब ये होता है कि लाइक दिस, कि ये है एक सेगमेंट डी से बी, और जब हम सेगमेंट यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर ये छोटी सी एक लाइन भी लगाते हैं, इसका मकसद ये होता है कि ये एक लाइन है जो कि आपकी सी से शुरू हो रही है और एक्स पे ख़त्म हो रही है। जब मैं कहता हूँ कि डी बी, डी इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, बी इज़ द एंडिंग पॉइंट एंड दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट जो भी होगी उसकी वैल्यू जितनी भी उसकी लेंथ होगी वो मेजर्ड और कैलकुलेटेड होती है। तो कैलकुलेशन जब भी आपके पास आ गई तो आप उसको टू पे डिवाइड करें तो उसका मिड पॉइंट आ जाएगा, तो एक ही मिड पॉइंट होगा, ज़्यादा मिड पॉइंट्स पॉसिबल नहीं है। ओनली वन एंड ओनली लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू टू पॉइंट्स। अच्छा अगर आपके पास दो पॉइंट्स मैं दे दूं, और मैं अच्छा लाइन की जब भी बात होगी, ये पहले भी बात हुआ है कि स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं, ये भी एक लाइन है लेकिन दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। हम जब लाइन को यूज़ करते हैं दैट मीन्स कि स्ट्रेट लाइन, वो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, सारी स्ट्रेट लाइन है। दो पॉइंट अब जहां मर्जी ले लें, लेट्स से कि मैंने ये और ये ले लिए, तो इनमें एक ही पॉसिबल लाइन है, मतलब इन दोनों को स्केल रख के ज्वाइन करा दूँ, क्या कोई ऐसा तरीका है कि ये यहाँ से होके यहाँ से आए, तो वो तो फिर तीसरा पॉइंट भी चाहिए होगा ना। तो दो पॉइंट्स जब भी होंगे वो
तीसरी लाइन तभी पॉसिबल हो जब वो लाइन जो है वो टेढ़ी हो जाए. हम टेढ़ी नहीं चाहते, हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं. तो दो पॉइंट से आप कितनी लाइंस बना सकते हैं, कितने वेज निकाल सकते हैं, ओनली वन. तो ये जो है एट्थ है ये भी ट्रू में चला जाएगा. नाइन्थ की तरफ देखते हैं, प्रोपोर्शन इज़ नॉन इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज, बल्कि इक्वालिटी है प्रोपोर्शन. इक्वालिटी होती है ना, प्रोपोर्शन क्या होती है, प्रोपोर्शन ये होती है कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल कोई दो ट्रायंगल्स कांगुरेंट है तो आप इनको एक रेशो और इनकी रेशो को बराबर में इक्वालिटी को यूज़ करते हैं, ना कि इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी तो ये होता है, बल्कि इक्वालिटी होती है. तो ये बात उसने गलत की है, उसने कहा इनइक्वालिटी, बल्कि गलत है, इसलिए इक्वालिटी होना चाहिए था, इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए था. सो ये फॉल्स है. रेशो हैज़ नो यूनिट्स. देखिए अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि 2 kg, ठीक है, ये यूनिट है, ठीक है, आप लोग फिजिक्स को भी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, PGN जो कि वो भी बहुत बड़ी सीरीज़ हम बना रहे हैं उसके ऊपर, बल्कि बन चुकी होगी होपफुली जब आप देख रहे होंगे, लेकिन मैं उसको भी फ़िलहाल बना रहा हूँ. तो जब ये एपिसोड रिलीज़ होंगी तो वो पब्लिश हो रही होगी साथ साथ. अच्छा, तो ये जो फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ लाते हैं 2 kg और उसको रेशो का मतलब होता है कि अब उस चीज़ पे डिवाइड करते हैं 2 kg/4 kg. जब हम इस तरह से करते हैं इट मींस कि दिस इज़ अ रेशो, ठीक है, लाइक 2 kg ऑफ पोटैटोस वर्सेस 4 kg ऑफ शुगर, ठीक है. लेट्स से कि मैं ये एक बात कर रहा हूँ, ये एक रेशो है, ठीक है, ये पोटैटोज़ हैं, शुगर है, पोटैटोज और शुगर की एक रेशो है. तो जब आप रेशो की बात करते हैं ना, तो रेशो में हम यूजली उस तरह की क्वांटिटीज़ ही लेते हैं जिनके यूनिट्स आमतौर पे सेम होते हैं. तो जब रेशो में आप जाते हैं लाइक 2 kg/4 kg, रेशो में हम इस तरह लिखते हैं ना, ये वाला साइन जब ख़त्म करते हैं तो ये डिवाइड का साइन आ जाता है. तो जब ये देखें, ये और ये हमेशा जो भी यूनिट ऊपर होता है वही यूनिट नीचे होता है, तो वो कट जाता है. तो रिजल्ट जो है 2 और 1/2, साथ में कोई यूनिट जो है वो नहीं आता, नो यूनिट. तो ये बात उसने बिल्कुल ठीक की है. तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा और डिस्कस कर लें कि बस इतना ही बहुत है. डिफाइन द फॉलोइंग रेशो प्रोपोर्शन कांगुरेंट ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स. तो ये मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दूँ, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, आप इसको बुक खोलें, सारी डेफिनेशंस वहाँ पे मौजूद हैं, नहीं तो बुक के एंड पे भी कुछ डेफिनेशंस दी होती हैं, आप उधर भी जाके देख सकते हैं, इसकी डेफिनेशंस वहाँ पे भी मौजूद हैं. तो कोई मसला नहीं है, अगर आपको कोई चीज़ स्टिल समझना है तो आप पूछ सकते हैं. आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कमिंग लेक्चर में हम इजीली ये जो क्वेश्चंस हैं इनको थोड़ा सा देख लेंगे, तो फिर इसको वाइंड अप कर देंगे. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.